छोटे लोहिया के रूप में पहचाने जाने वाले तथा समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्रा की जयंती समारोह का आयोजन सपाइयों द्वारा रविवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया। इस मौके पर सपाइयों ने जनेश्वर मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर एक पार्टी कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, पूर्व अध्यक्ष मोहसिन खान, महानगर अध्यक्ष जीवाल इस्लाम, महानगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता, संजय यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जनेश्वर मिश्रा के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने को दोहराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म दिवस पर आज हम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई हैं और ये बहुत ही पुराने समाजवादी थे और हम लोग इनके संरक्षण में रहे हैं और आज इनकी पुण्यतिथि पे हमारे वहाँ संगोष्ठियाँ बैठाई गई हैं, जिससे उनके उनके किए गए कार्यों को पूरी तरह से बताया गया है कि वो कैसे विचारक थे समाजवाद के बारे में। उन्होंने वो इसके पहले जब वो अपने समय में संचार मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, प्राकृतिक गैस संसाधन मंत्री रहे, उन्होंने बहुत समाज सेवा किया है। उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं हुआ करता था, वो एक छोटे से LIG के मकान में रहते थे। मैं खुद उनका गवाह हूँ कि मैं उनकी सेवा, मैं उनके पैर दबाया करता था जब वो गोरखपुर आते थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी जन्म दिवस पर आज हम लोग को संगोष्ठी करते हुए इनके विचारों को मैंने सुना और आगे बढ़ाया। जय कलेश, जय समाजवाद।